अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन की कलेजी एक बहुत ही टेस्टी मसाले के साथ। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में आधा कप तेल लेंगे, उसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा किलो उबली हुई कलेजी। कलेजी को उबालने का मकसद ये है कि कलेजी में जो एक स्मेल होती है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं होती वो खत्म हो जाए। इसे अदरक लहसुन में अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब इसमें 6 बड़े टमाटर शामिल करेंगे जो मैंने इस तरीके से काट लिए हैं छिलके उतार के। छिलके उतारने जरूरी है। 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपको कम मिर्ची पसंद है तो आप कम डालें। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक। इसे मिक्स करेंगे और फिर ढक देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट के बाद हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच सफेद सरका। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें शामिल करेंगे मेथी आधा किलो। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाएंगे। 20 मिनट के बाद कलेजी अच्छे से पक चुकी है। ये एक बहुत मज़ेदार कलेजी की रेसिपी है। आप इसे ट्राई कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।